आगोश ऑर्फन केयर होम में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के नाज़िम आला खुर्रम नवाज़ गंडापुर ने मिनहाजुल कुरान पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से ज़ेर तालीम यतीम बच्चों में तहफ तकसीम किए। तहफ तकसीम करने की तकरीब के इस मौके पर डायरेक्टर आगोश कॉम्प्लेक्स कर्नल रिटायर्ड मुबशर इकबाल, नायब नाज़िम आला नूरुल्लाह सिद्दीकी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस शहजाद रसूल, डिप्टी डायरेक्टर हाजी मोहम्मद इसहाक और आगोश ऑर्फन केयर होम का अमला और बच्चों की निगहदाश्त करने वाली मदर्स मौजूद थीं। नाज़िम आला खुर्रम नवाज़ गंडापुर और दीगर रहनुमाओं ने कुछ वक्त यतीम बच्चों के साथ गुजारा और उनसे गुफ्तगू की। इस मौका पर डायरेक्टर आगोश कॉम्प्लेक्स कर्नल रिटायर्ड मुबशिर इकबाल ने कहा कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की हिदायत पर 2005 के जलजिला में यतीम बच्चों की तालीम तरबियत कफालत और निगहदाश्त के लिए आगोश कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया था। उन्होंने बताया कि 2005 से ताहाल हजारहा यतीम बच्चे यहाँ से तालीम मुकम्मल करके मुख्तलिफ शोबाजात में बतौर प्रोफेशनल अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कर्नल मुबशिर इकबाल ने मजीद बताया कि यतीम बच्चों को बेहतरीन रिहाइश, तालीम और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की सहूलियात मुयसर हैं। उन्होंने बताया कि आगोश ऑर्फन केयर होम में बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी यतीम बच्चे जेर तालीम और जेर कफालत हैं। आगोश ऑर्फन केयर होम में रिहाइश पजीर और जेर तालीम बच्चों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आगोश हमारा घर है और हमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सूरत में एक ऐसा सरपरस्त और बाप मुयसर है जिनकी वजह से हम बेहतरीन तालीम हासिल करने के साथ साथ हमें यहाँ घर से बढ़कर तवज्जो और सहूलियात मुयसर हैं। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और ये जो इदारा है यहाँ पे सब कुछ अलग है। हमें घर में वो चीज़ नहीं मिलती जो यहाँ पे मिलती है। किताबें दी जाती हैं, कापियाँ, बैग, सब कुछ हमें मुहैया किया जाता है। हम लोग इतने खुश हैं।